हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो देख लेते हैं कुछ और कंपनीज के जो है क्वार्टर फर्स्ट के जो है रिजल्ट आ चुके हैं और कैसे जो है रिजल्ट आते हुए दिखे, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एसीसी लिमिटेड की। एसीसी की परफॉर्मेंस कुछ खास जो है आती हुई नहीं दिखी है और ये आप जो देख रहे हैं प्रॉफिट में डिक्लाइन, ये प्रॉफिट में डिक्लाइन बेसिकली इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस की वजह से नहीं है। ये बेसिकली क्या है, इनकी जो खपत है वो ज्यादा हो रही है क्योंकि इस समय पे जो है क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तेजी से जो है बढ़े हैं, तो पेट्रोल जो डीजल जो इनके लिए जो लगता है, जो डीजल की जो खपत जो इनके पास में जो होती है इनको जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं इनको परेशानी इस समय पे देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन जो है काफी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको जो है ये परेशानी उठानी पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम में जरूर आपको जो है बढ़त दिखेगी बाई ऑन बाई लेवल पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15% की जो है कहीं ना कहीं एक ग्रोथ देखने को मिल रही है और 1% की क्यू ऑन क्यू के हिसाब से जो है देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट में एक अच्छा खासा डिक्लाइन है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे मार्जिन्स पे भी दबाव आपको जो है देखने को मिलेगा, तो हालांकि ये एक्सपेक्टेड था उस तरीके से जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा जो है एक मूव जो डाउनफॉल का एक मूव इसके अंदर ऑलरेडी आ भी चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से धीरे धीरे करके जो है एक एक्यूमुलेट ये स्टॉक जो है होता हुआ दिखेगा और दोबारा से जो है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो है फर्दर अपसाइड इसके अंदर बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ नए आगे जो प्रोजेक्ट भी जो है ये कंपनी जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो इनके कंप्लीट होते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ टाइम में, और एक डिमांड भी बेहतर आती हुई दिखेगी मार्केट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो है ये स्टॉक धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में एक अपसाइड आपको दिखा सकता है। तो यही ऐसे मौके होते हैं ऐसे में जो है एक क्वालिटी स्टॉक को जो है पकड़ा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी जिस तरीके की इसने जो है परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ सालों, पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर, उस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस अभी तक जो है बरकरार है। आप देख सकते हैं अर्निंग्स जो है अभी भी जो है दमदार आती हुई दिख रही है। वाई ऑन वाई लेवल पे तो जो है डबल डिजिट की जो अर्निंग्स है, एंड क्यू ऑन क्यू लेवल पे भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट में जो है आप देख सकते हैं 15% की जो है ग्रोथ है और 6% की जो है इनकम के अंदर ग्रोथ है। मार्जिन भी अच्छे खासे हैं, तो मेरे हिसाब से जो है इस समय जो है ओके पोजिशन पे एक टाटा एलेक्सी की जो है परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं जीटीपीएल की। तो जीटीपीएल की परफॉर्मेंस खराब आती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं इनकम में जरूर आपको जो है ग्रोथ दिखेगी वाई ऑन वाई लेवल पे 5% की और 2% की क्यू ऑन क्यू लेवल पे, लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा आपको, और इबिटा में भी जो है डिक्लाइन ही है। हालांकि इबिटा मार्जिन इनका ठीक ठाक है, तो मैं कहूंगा ओके रिजल्ट है, एक फ्लैट रिजल्ट जो है हम कह सकते हैं जीटीपीएल हाथवे से जो है देखने को मिलते हुए दिखे हैं। अब बात कर लेते हैं एंजल वन। तो इसके अंदर जिस तरीके से आप देखेंगे डाउनफॉल जो स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखा है, 2000 से स्टॉक जो है 1100 रुपए तक भी जो है फिसलता हुआ दिखा है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप क्यू ऑन क्यू की परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू की परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट है। प्रॉफिट भी डिक्लाइन है, एबिटा में भी डिक्लाइन है, इनकम तो जो है बिल्कुल एक फ्लैट आती हुई दिख रही है। उस तरीके की जो है परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जो है आपने चार्ट पे भी देखी है, और वाई ऑन वाई के हिसाब से देखेंगे रिजल्ट जो है आपको काफी मजबूत देखने को मिलेंगे। यहाँ से हो सकता है धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत और आपको थोड़ी बहुत डाउन साइड इसके अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिले, हो सकता है 1200, 1250, 1100 रुपए पे जो है स्टॉक जाता हुआ दिखे, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट के अंदर एक दोबारा से जो है चाल आने लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है आपको एक अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है। तो बढ़िया स्टॉक है एंजल वन की अगर बात करें, मार्जिन्स भी इनके जो है दमदार हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अलर्ट जो रहना चाहिए बेसिकली यहाँ पे आप बिल्कुल जो है एंजल वन पे भी जो है बिल्कुल फोकस रख सकते हैं, और साथ के साथ जो है टाटा एलेक्सी, हालांकि स्टॉक काफी अच्छा खासा भाग चुका है लेकिन तब भी जो है ये स्टॉक जो है ध्यान में रखा जा सकता है, और धीरे धीरे करके उस इस स्टॉक के अंदर जो है शिफ्ट की जा सकती है फर्दर फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत ही सॉलिड रिजल्ट अगर आज इन चार स्टॉक्स में से अगर देखने को मिल रहा है वो है टाटा एलेक्सी का। तो बहुत ही जो है टॉप क्वालिटी के जो है नंबर्स इसके आते हुए दिख रहे हैं। जब भी जो है आपको इस स्टॉक के अंदर अगर डाउन साइड मिले जरूर जो है ये स्टॉक आपको रखना चाहिए अपने पास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।